So after having done isomerism, structural isomerism, and what else? Nomenclature. Let's practice some questions. First question I want you all to do is draw the structures of the following and name them. Draw the structures of the following and name them. The first one is bicyclobutane. This is bicyclobutane. Now, since it's a bicyclo compound, we know that two carbon atoms are going to be common. So, yadi apan char mein se, if we take out two, then we are left with only two more. So, one this side and one the other side. So, how do you draw the structure of this compound? There are four carbons here. 1, 2, 3, 4. Two are in common. So, if we remove those two, we are left with only two. So, we write them here. Now, how do you name this? This is bicyclo. Bicyclo 1,1,0. Butane. Now look here, 1,1,0 means this side, between these two carbon atoms, this side you have one, this side you have one, and this side you do not have any carbon atom between these two. There are no carbon atoms between these two. So you call it bicyclo 1,1,0 butane. Now next is B part of the question is two isomers of cycloheptane by cycloheptane. You have bicycloheptane, that means there are in all seven carbons. In all there are seven carbons. Out of these seven, two are to be removed, which are common. Now, remaining are five. How can five be distributed? You can have 4 plus 1 or you can have 3 plus 2. I hope you understand. Aapko baat samajh mein aa rahi hai? Total hai seven. Dekho, main example deke bataun. Ye common ho gaye. Ab main yadi leti hu yahan pe. 1, 2, 3, 4, 5 carbon ho chuke hain. Bache do. ऐसे हम ले सकते, बच गए दो, तो हमने उनको ऐसे ले लिया. तो आप देख रहे हो ये कॉमन हो गए, 1, 2 कॉमन है, 1, 2, 3 plus 2, 5. तो इसका नाम क्या कर देंगे अपन, बाइसाइक्लो. अब इन दोनों के बीच में इधर कितने हैं, 1, 2, 3, इधर कितने हैं 2, इधर कितने हैं 0, और इसको बाइसाइक्लो हेप्टेन. ऐसे एक और ऑप्शन हो सकता है, जैसे 3 plus 2, 5 है, वैसे 4 plus 1 भी हो सकता है. तो हम कैसे लिख सकते हैं, ये लिखा 1, 2, 3, 4 और ये ऐसे कर दिया. समझ में आ रहा? देखो ये दो जो है ना, ये इस रिंग के लिए भी कॉमन है, इस रिंग के लिए भी कॉमन है. तो अपन ने फिर क्या किया, क्योंकि हमारे पास हेप्टेन था, दो तो बाहर निकल गए, अब बचेंगे 5. तो 5 का मैंने दो कॉम्बिनेशन ले लिया, एक ले लिया 3 plus 2, एक ले लिया 4 plus 1. ये देखो 1, 2, 3, 4 और ये 1. तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बाय साइक्लो. अब इधर कितने इन दो के बीच में, 1, 2, 3, 4, 4 इधर है 1, इन दोनों के बीच में कोई भी नहीं है 0, और फिर लिख दिया अपन ने हेप्टेन. ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा. तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूं, आप अपने आप से ट्राई करो. 3 isomers ऑफ बाइसाइक्लोऑक्टेन. 3 isomers
of bicyclooctane. This is three isomers of bicyclooctane. अब आप यहां पे देखिए कैसे बनाएंगे आप. देखो फिर वही वाली बात, ऑक्टेन में से आप टू निकाल दो, बचे सिक्स. सिक्स का कॉम्बिनेशन एक हो सकता है, फाइव प्लस वन हो सकता है. तो ऐसे ले लेते हैं अपन, वन टू थ्री फोर फाइव और एक ऐसे ले दिया. तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. अब हमने कितना लिया था, वन टू थ्री फोर फाइव प्लस वन लिया. अब अपन फोर प्लस टू ले लेते हैं, फोर प्लस टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. अब ले लेते हैं अपन थ्री प्लस थ्री भी तो ले सकते हैं, देखो बच्चों वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. मतलब हमने वही एक रूल बार बार आप देख रहे हो, दो तो हम ये जो कॉमन वाले दो है ना, इनको तो हटा दो आप. फिर बचते कितने, सिक्स है तो सिक्स के कॉम्बिनेशन ले लो. ये हो गया फाइव प्लस वन, ये हो गया फोर प्लस टू, ये हो गया थ्री प्लस थ्री. अब लिखेंगे कैसे अपन, इसकी नेमिंग होगी बाय साइक्लो. फिर इधर वन टू थ्री फोर फाइव फाइव, इधर वन, इधर जीरो. इन दोनों के बीच में एक भी एटम नहीं है, इसे जीरो. इस साइड वन है, इस साइड फाइव है. और फिर क्या लिख देंगे अपन, ऑक्टेन. इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, बाय साइक्लो फोर कॉमा टू कॉमा जीरो ऑक्टेन. और इसकी क्या हो जाएगी, बाय साइक्लो थ्री कॉमा जीरो ऑक्टेन. दिस इज हाउ यू नेम दीज कंपाउंड्स. इज दैट क्लियर. Now here you have one more question, A, B, C, this is D. They are asking you to draw the structures of, this is bicyclopentane, but this is bridged one. You have to draw unsubstituted bridged by cyclopentane, by cyclopentane. So how should it be? Bridge होना है, there are five carbon, तो हमें पता वन टू थ्री तो हमें बाहर करने पड़ेंगे क्योंकि bridge भी बनाना है. तो ब्रिज बनाना है तो वन टू थ्री कॉमन कर दिए अपन ने. अब बचे दो, तो एक इस साइड ले लिया, एक इस साइड ले लिया. तो ये हो गया अपने पास है बाइसाइक्लोपेंटेन. अब हमारे पास सेकेंड उन्होंने बोला है बनाने को, ये उन्होंने बोला है बाइसाइक्लोपेंटेन हो गया ना, बाइसाइक्लोहेक्सेन, बाइसाइक्लोहेक्सेन. अब बाइसाइक्लोहेक्सेन की बात करेंगे तो हेक्सेन है, तीन निकाल दिए तो तीन बच रहे हैं हमारे पास, तो हम ऐसे ले सकते हैं. देखो वन टू थ्री ये हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, क्योंकि थ्री जब ब्रिज वाला रहेगा तो ब्रिज रहेंगे तो वन टू थ्री. देखो यहां पे आप देख रहे हो बाइसाइक्लो था, यहां कोई ब्रिज नहीं था तो हमने दो दो को कॉमन लिया था. यहां पे बाइसाइक्लो के साथ ब्रिज भी है, इससे हमें तीन कॉमन में लेने पड़ेंगे, वन टू थ्री वन टू थ्री. और बचो वो को हमें अरेंज करना है. यहां पे दो ही बचे थे तो हमने वन इस साइड लिया, वन इस साइड. यहां पे सिक्स बचे, यहां पे फोर बचे थे तो हमने लिया टू दिस साइड एंड वन दिस साइड. इन द सेम वे टू आइसोमेरिक बाइसाइक्लोहेप्टेन, थर्ड पार्ट इज टू आइसोमेरिक बाइसाइक्लो
bicycloheptane. अब आप देख लो बायसाइक्लोहेप्टेन है मेरे पास, इसमें से हमने 7 में से निकाल दी 3, तो अब हमारे पास बचते हैं 4. तो 4 का ऑप्शन मेरे पास ऐसे है, एक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. दिस साइड हमने 2 लिए, इस साइड 2 लिए, क्योंकि साइक्लोहेप्टेन मतलब 7, 7 में से हमने 3 निकाल लिए तो 4, 4 बचे तो 2 दिस साइड एंड 2 दिस साइड. अब इसका सेकेंड वाला ऑप्शन क्या होगा, एक तरफ 3 ले लेते हैं और एक तरफ 1 ले लेते हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं, तो 1 2 3 इधर ले लिया हमने 1 और ये ऐसे ब्रिज बना दिया. देखो 1 2 3 4 5 6 7 वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हेप्टेन है, तो आपके 7 कार्बन्स हो गए इसमें टोटल, इसमें भी टोटल 7 है, इसमें 5 है, इसमें आपके पास 6 है. अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, दिस विल बी कॉल्ड, देखो इनमें इन ब्रिज के बीच में यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, तो आप इसको बोलोगे बाय साइक्लो 111 पेंटेन. बाइसाइक्लो 111 पेंटेन. अब यहां क्या हो जाएगा फिर, देखो बाय साइक्लो, अब इधर देखो 2 है, इधर 1 है, इधर 1 है, तो 211 हेक्सेन. अब इसकी नेमिंग यदि करोगे तो देखो इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 2 है, तो आप इसको लिखोगे बाय साइक्लो 2.2.1 हेप्टेन. तो नेचुरली इसको क्या लिखोगे आप, दिस विल बी कॉल्ड बाय साइक्लो 1 2 3 3, फिर 1 1 हेप्टेन. ओके तो अभी यदि आप देखोगे तो यहां पे आपने जब हेप्टेन था तो टोटल 3 निकाल दिए, तो बचे 4, 2 इधर 2 इधर. ठीक है, तो आपके पास ये बाइसाइक्लो है और इन दो ब्रिज के बीच में यहां पे 2 एटम है, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, इसलिए आप इसको क्या बोलते हो, बाइसाइक्लो 2 2 1. जबकि यहां क्या बोलते हो आप इसको, बायसाइक्लो, इसको ध्यान से देखो, बायसाइक्लो इस ब्रिज और इस ब्रिज के बीच में 3 कार्बन इधर है, इधर 1 है, इधर 1 है, तो आप इसको बोलोगे बायसाइक्लो 3 1 1, दिस इज 3 1 1 हेप्टेन. यहां पे आप देख रहे हो कि बायसाइक्लो 2 1 1 एंड टोटल कार्बन हेक्सेन है, इसलिए अपन ने हेक्सेन बोला. यहां पे है 1 1 1 बायसाइक्लो 1 1 1 and total number of carbon atoms are 5, so we call it pentane. This is how you name normal bicyclo compounds and bridged bicyclo compounds. Look at that. जब भी हमने normal bicyclo compounds किया है तो हमने क्या किया है, 2 को ले लिया क्योंकि 2 common रहेंगे, बाकियों को बांट दिया. जब भी हमने bridge वाला bicyclo compound लिया है तब हमने 3 निकाल लिए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 निकाल के जो बचे उनको हमने बांटा. जैसे यहां पे बाइसाइक्लोहेप्टेन था, हेप्टेन में से हमने 3 निकाल दिए थे तो 4 बचे, 4 को हमने कैसे अरेंज कर दिया, 2 प्लस 2, और एक में हमने कर दिया 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 इज ऑल्सो 4, 2 प्लस 2 इज ऑल्सो 4. यहां पे हमारे पास पेंटेन में से 3 निकाले तो 2 बचे, तो 1 प्लस 1 इज 2. यहां पे हेक्सेन में से 3 निकाले तो 3 बचे, तो 2 प्लस 1 इज 3. This is how you are going to name these two type of compounds. Look at it carefully and अच्छे से note कर लीजिए. बहुत simple सा rule है, आप 2-4 बार करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि हमें करना क्या है. अपन और practice करते हैं, पहले आप इनको note कर लीजिए. Before we go for question number 2, let's try to recollect how did we name these type of substituents. जब ऐसे substituents थे तो हमने उनकी naming कैसे करी थी.
जैसे मेरे पास एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, मान लो ये कहीं पे एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो इसके क्या नेमिंग होती है, इसको या तो हम विनाइल बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं क्योंकि दो कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है तो एथिनिल, बिकॉज देयर टू कार्बन एटम्स एंड देयर इज अ डबल बॉन्ड एंड दिस इज ट्रीटेड एज वन सब्स्टिट्यूएंट, ये एक ग्रुप कहीं लगा हुआ है तो इसकी नेमिंग कैसे होगी, इस ग्रुप को हम विनाइल या एथिनिल बोलते हैं। यदि ये है तो इसका नाम हो जाता है एलाइल, या फिर ये है तीन कार्बन है डबल बॉन्ड है इससे हम क्या बोलेंगे इसको, यहां से अटैचमेंट है इससे इसको बोलेंगे टू प्रोपिनिल, वन टू थ्री। इसी को यदि हम ऐसे लिख दें ये लिख गया, यदि बस डबल बॉन्ड की पोजीशन इधर से उधर कर दिया, अटैचमेंट का पॉइंट बदल दिया, तो इसको हम खाली प्रोपिनिल और वन प्रोपिनिल कुछ भी कह सकते हैं। इसी को यदि हमने ऐसे लिख दिया ये है मान लीजिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आइसो प्रोपेनल, है ना। और यदि सिर्फ ऐसा है तो ये तो हमें पता एक ही कार्बन है तो ये हो जाएगा, अब इसको लगा के यदि हमें कोई कंपाउंड बनाना हुआ तो हम उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, इसके एग्जांपल्स मैं आपको देती हूं। जैसे हमने एक कंपाउंड ये ले लिया फॉर एग्जांपल, अब ये क्वेश्चन नंबर टू पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट ऑप्शन जो है मेरे पास वो है अब इस कंपाउंड का नाम आपको बताना पड़ेगा। अब ये ब्रांच है, हमें पता है कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, तो वन टू थ्री थर्ड कार्बन पे जो लगा उसकी नेमिंग होगी, तो थ्री मिथाइलीन साइक्लो पेंट वन ईन, इसका नाम है थ्री मिथाइलीन साइक्लो पेंट वन ईन, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लें, आपको समझ में आ गया होगा साइक्लोहेक्सीन, तो साइक्लोपेंटीन जो है, साइक्लोपेंटीन जो है वो पेरेंट कंपाउंड है और थर्ड कार्बन पे मिथाइलीन ब्रांच लगी हुई है। ऐसे ही यदि मेरे पास एक ऑप्शन ये है, अब इस कंपाउंड का हम नाम क्या करेंगे, ये दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स को आप यदि देखो इनकी नेमिंग यहां से देखो तो आप इसकी नंबरिंग वन टू थ्री फोर, देखो नंबरिंग यहां से करते तो भी डबल बॉन्ड वन टू पे आता है, यहां से करा तो भी वन टू पे आ रहा है, पर वन और टू पे हमें दो सब्स्टिट्यूएंट्स मिल गए इसलिए हम उस हिसाब से नंबरिंग कर रहे हैं। अब वन पे कौन सा ग्रुप है ये देखो, इसको हम लिख सकते हैं वन एलाइल, और फिर टू पे क्या लिखा हुआ है, टू पे ये है यहीं से ब्रांच है डबल बॉन्डेंस, तो हम लिख देंगे टू प्रोपेनिल। अब पेरेंट क्या बचा है, साइक्लो हेक्सा वन कॉमा थ्री डाइन, वेल जस्टिफाइड है ना नाम, ये आप देखो यहां पे जरा सिक्स कार्बन की एक रिंग है तो साइक्लो हेक्सा, पर दो डबल बॉन्ड है तो साइक्लो हेक्सा वन थ्री डाइन। सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम क्या है, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट एलाइल है और सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट जो है वो है प्रोपेनिल, तो प्रोपेनिल भी अपन ने ले लिया और एलाइल भी अपन ने ले लिया। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल अपन ऐसा ले लेते हैं,
और यहां पे डबल बॉन्ड है. अब यहां हम क्या लिखेंगे, बायसाइक्लो. उसके बाद इधर कितने हैं, इधर टू, इधर टू, इधर वन, तो टू कॉमा टू कॉमा वन. सेवन कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे, हाँ अब डबल बॉन्ड कहां पे है, सेकेंड पे है और फिफ्थ पे है, तो टू कॉमा फाइव हेप्टा डाइन. आप देख लो इसका नाम है बाइसाइक्लो टू टू वन टू कॉमा फाइव हेप्टा डाइन. डू एग्री टू दिस नेम, ऐसे नेमिंग होगी ना इसकी. आप देख लो बच्चों, अभी अपन ने सीखा था ये ब्रिज वाला बाइसाइक्लो कंपाउंड है. इस ये दो ब्रिजेस के बीच में यहां टू है, यहां टू है, यहां वन है, इसे हमने लिख दिया बाइसाइक्लो टू टू वन. फिर हमें पता है सेकेंड पे और फिफ्थ पे डबल बॉन्ड है और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम सेवन है, तो हमने लिखा है टू फाइव हेप्टाडाइन. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे कराना है आपसे वो ये कराना है, एज ए आपको आपको नेम करना है एज ए डेरिवेटिव ऑफ इथाइलीन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो करना है, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स. लाओ क्वेश्चन क्वेश्चन लिख देती हूं मैं आपके लिए. तो क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, क्वेश्चन नंबर थ्री सेज नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स एज डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटिलीन, एज ए डेरिवेटिव ऑफ एसिटिलीन. तो मैं इनकी आपको पहले क्वेश्चन दे देती हूं, आप उनकी नेमिंग ट्राई कर लो, उसके बाद अपन देख लेते हैं. पहला है सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच थ्री. सेकेंड वन इज ओके फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड देन यू हैव द थर्ड कार्बन देन you have fourth carbon and then you have the fifth carbon. 1 2 3 4 5. Then third is third part of the question is you have to name it this way, CH3 C CH3 H C triple bond C CH3 CH3 and CH3. Okay, so you have first carbon, then second carbon, then you have third carbon, fourth carbon, fifth carbon, then you have sixth carbon, and here you have this. Dekho, one, this is two, okay, then three, then fourth, this is five, this is six. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Okay, then numbering we should have done it from this side so that we get more number of branches. So how do we go about it? This is not the way we are going to number it, because in such a case the branches will be less, so we don't number it this way. How do we number it? We'll number it from this side, 1 2 3 1 2 3, but here you have one branch, here you have two branches, so 1 2 3 4 5 6, and these are the branches. So if you go by this, this is 1, this is 2, then you have the third one sp hybridized here. So you will have to go, this is 1 2 1 2, then 3 4 1 2 3 4, then you have 5, and then you have 6. 1 2
3, 4, 5, 6, 5th पर एक ब्रांच है और 2 पे देर आर 2 ब्रांचेस. तो दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दिस कार्बन इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, थर्ड कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, 4 इज sp हाइब्रिडाइज्ड, 5th इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड 6th इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड. ये लीनियर ही हो पाएंगे सारे, तो इसकी नेमिंग करेंगे अपन. देन यू हैव द फोर्थ वन एज CH ट्रिपल बॉन्ड C, देन यू हैव CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2. ओके, तो चलो नेमिंग करते हैं. इसकी नेमिंग कैसे करेंगे अपन, आप इसको ध्यान से देखो. हमको सबको एज ए डेरिवेटिव ऑफ एसिटिलीन नेम करना है. दीज आर ऑल द डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटिलीन. इसकी नेमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एसिटिलीन में क्या है, डायमिथाइल लगे, जो एसिटिलीन होता है. एसिटिलीन आप सबको पता है, एसिटिलीन होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एसिटिलीन है. इस एसिटिलीन के दोनों हाइड्रोजन मिथाइल से सब्स्टिट्यूट हो गए हैं, इससे इसका नाम क्या है, डाई मिथाइल एसिटिलीन, डाई मिथाइल एसिटिलीन. इसकी नेमिंग करेंगे यदि अपन, तो देखो दो सब्स्टिट्यूएंट्स दिख रहे हैं अपने को, दो सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं. अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे इनका नाम, इनका नाम है इथाइल, फिर मिथाइल, पेरेंट कौन था, एसिटिलीन. इसकी नेमिंग देखो, ये तो पेरेंट है, एक तरफ कौन है, आइसोप्रोपाइल है, एक तरफ कौन है, टर्शरी ब्यूटाइल है, टर्शरी ब्यूटाइल है और आइसोप्रोपाइल है, तो इसकी नेमिंग कैसे होगी, टर्शरी ब्यूटाइल आइसो प्रोपाइल एसिटिलीन. आप समझ रहे हो, हमने दो सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम दे दिए, ये टर्शरी ब्यूटाइल, ये आइसोप्रोपाइल और ये एसिटिलीन. अब यहां पे आप यदि देखो तो हमारा पेरेंट तो ये रहा एसिटिलीन, और ये कौन सा ग्रुप है, इफ यू रिमेंबर वहां पे अपन ने बताया था आपको कि इसका नाम है एलाइल, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम है एलाइल एसिटिलीन. एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन एलाइल एसिटिलीन के बाद, एक एग्जांपल अपन लेंगे ये वाला CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH. फिर यहां पे आप देखो ये क्या है, ये पेरेंट कंपाउंड, और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम वहां से लाओ, इसका नाम है विनाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, विनाइल एसिटिलीन. देखो ध्यान से बच्चों, हमने क्या किया है, हमने कुछ डबल बॉन्डेड सब्स्टिट्यूएंट्स लिए हैं. आप यहां पे ध्यान से देखो, वी हैव गॉट सम डबल बॉन्डेड सब्स्टिट्यूएंट्स. अभी तक हमने मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल ये सब किए थे, अब डबल बॉन्डेड जब सब्स्टिट्यूएंट्स की आपको प्रैक्टिस देनी थी मुझे, तो आई हैव चोजन दीज एज फ्यू एग्जांपल्स. इसका नाम विनाइल है, जब दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो इसको बोलेंगे विनाइल और एथेनल बोलेंगे. जब अपने पास में ऐसी सिचुएशन, तीन कार्बन है पर तीन कार्बन में डबल बॉन्ड की पोजिशन अलग अलग हो रही है, जैसे यहां पे यदि हमने लगाया है और यहां पे डबल बॉन्ड है, तो इसको बोलेंगे एलाइल या टू प्रोपेनल, दिस इज प्रोपेनल या वन प्रोपेनल, दिस इज आइसोप्रोपेनल, इसको मिथाइलीन. और फिर आपको ये प्रैक्टिस दे दी, और नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बोला कि कॉमन नेम एसिटिलीन होता है, इथाइन का कॉमन नेम जो है वो एसिटिलीन है, तो एसिटिलीन के डेरिवेटिव्स से भी हम नेमिंग कर सकते हैं, कुछ कॉमन नेम्स ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड के एसिटिलीन डेरिवेटिव के फॉर्म में भी हो सकते हैं. तो हमने एसिटिलीन डेरिवेटिव, दीज आर ऑल कॉमन नेम्स, दीज आर नॉट दी IUPAC नेम्स. तो जब मैं आपसे बात करती हूं कि मुझे ऐसे कॉमन नेम्स चाहिए जो एसिटिलीन के डेरिवेटिव्स हों, तो फिर हमने इस तरह क्या किया, एसिटिलीन को एज ए पेरेंट कंपाउंड लेके बाकी सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिख दिए, तो हमारे पास ये भी एक तरीका नॉमेनक्लेचर का हो जाता है. चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं.
right structures of all the C5H12O alcohols. पांच कार्बन के अल्कोहल्स की अपने को नेमिंग करनी है. अब अपन ऐसा करते हैं, और नेमिंग IUPAC सिस्टम से भी करनी है और कार्बिनॉल मेथड से भी करनी है. कार्बिनॉल मेथड मतलब एज ए डेरिवेटिव ऑफ मीथेनॉल. मीथेनॉल को कार्बिनॉल भी बोलते हैं, तो एज ए डेरिवेटिव ऑफ मीथेनॉल अपने को नेमिंग करनी है. जैसे फर्स्ट केस अपन लेंगे, क्योंकि यहां पे आपको दिख रहा पांच कार्बन है, तो चलो अपन 1, 2, 3, 4, 5. अब फर्स्ट कार्बन पे OH लगा देते हैं, तो इसकी नेमिंग कैसे हो जाएगी? इसको हम बोलेंगे पेंटेन वन ऑल. ये तो IUPAC नेमिंग हो गई. और दूसरी नेमिंग होगी यदि मैं इसको मीथेनॉल ले लेती हूं, ये वाला पार्ट, ये मीथेनॉल है, तो 1, 2, 3 अपने पास टोटल कितने कार्बन है? 5, 1, 2, 3, 4, 5. तो ये यदि मीथेनॉल वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट यदि मीथेनॉल वाला है, तो 1, 2, 3, 4, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल कार्बिनॉल. मतलब मीथेनॉल कार्बिनॉल तो ये पार्ट था, उस पर एक ब्यूटाइल ग्रुप और लग गया. अब मैं इसी का दूसरा आइसोमर जब बनाती हूं, तो आप सब समझते हो कि मैं क्या करने वाली हूं. मैं सिर्फ और सिर्फ OH की पोजीशन बदल देती हूं. पहले 1 पे लगा था, 2 पे लगा हुआ है, और ये वाला पार्ट जो है ये कार्बिनॉल पार्ट हो जाएगा. ये कार्बिनॉल पार्ट हो जाएगा, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? इसकी नेमिंग हम करेंगे तो IUPAC सिस्टम से ये कहलाएगा पेंटेन टू ऑल. और कार्बिनॉल सिस्टम से ये क्या कहलाएगा? एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ प्रोपाइल है, तो हम बोलेंगे मिथाइल प्रोपाइल कार्बिनॉल. अब थर्ड चॉइस क्या होगी हमारे पास? हम अब फिर इसकी पोजीशन बदलेंगे OH की, तो हम इसको क्या बोल देंगे? इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? पेंटेन थ्री ऑल. और यदि इसको हमने कार्बिनॉल ले लिया, तो उधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है, तो हम इसकी नेमिंग कैसे कर देंगे कार्बिनॉल मेथड से? डाई इथाइल, और फिर हम लिख देंगे कार्बिनॉल. ये हो गए तीन अपने स्ट्रेट चेन वाले. अब यहीं पे यदि फोर्थ अपन ऑप्शन ले, जहां पे एक मिथाइल को ब्रांच पे ले लेंगे, तो आपको पता है 1, 2, 3, 4. अब मैं यहां पे एक मिथाइल लगा देती हूं, यहां पे OH लगा देती हूं, तो ये 1, 2, 3, 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एक नाम हो जाएगा इसका 3-methyl-butane-2-ol. अब कार्बिनॉल मेथड से यदि देखते हो, यदि कार्बिनॉल मेथड से देखते हो, तो इसका नाम होगा, ये आइसोप्रोपाइल है और ये मिथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल आइसो प्रोपाइल कार्बिनॉल. मिथाइल आइसो प्रोपाइल कार्बिनॉल. एक और स्ट्रक्चर यदि बनाएंगे अपन, तो ऐसा भी कर सकते हैं हम कि एक ही कार्बन पे हमने मिथाइल भी लगा दिया और OH भी लगा दिया, तो ये 1, 2, 3, 4, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? IUPAC नेम तो बहुत सिंपल सा दिख रहा है अपने को, 2-methyl-butane-2-ol. पर इसका कार्बिनॉल नेम क्या होगा? ये है कार्बिनॉल, तो हम क्या बोलेंगे इसको? इथाइल. एक साइड इथाइल है इसके, ये दो कार्बन वाला, फिर इथाइल डाई मिथाइल कार्बिनॉल. अब हमारे पास एक और स्ट्रक्चर बचता है, जिसमें हम 3 कार्बन की चेन लेते हैं. हमारे पास टोटल 5 है, तो हमने 3 की चेन ले ली, और अब क्या कर सकते हैं अपन? हम यहां पे हम कर सकते हैं
यहां पे भी मिथाइल लगा दिया और यहां पे OH लगा दिया, तो इसकी नेमिंग कैसे हो जाएगी, 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा 2, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। और कार्बिनॉल के टर्म्स में बात करेंगे तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप दिख रहा है, तो हम इसको बोलेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बिनॉल। आप इनको एक बार ठीक से नोट करो कि आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ये है डेरिवेटिव ऑफ कार्बिनॉल्स। ये आपको बात समझ में आ गई हम कैसे कर रहे हैं, ये कार्बिनॉल वाला, कार्बिनॉल मतलब इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ मीथेनॉल, तो हमने मीथेनॉल पार्ट देख के उसके जितने हाइड्रोजन जिस भी अल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट होंगे हम उसी का नाम लिख देंगे, तो हमने एज ए कार्बिनॉल डेरिवेटिव भी लिख दिया इसकी नेमिंग और IUPAC नेमिंग भी कर दी, और इस स्ट्रक्चर के इतने अपने को अल्कोहल आइसोमेरिक वाले मिल रहे हैं। अब एक और लेती हूँ क्वेश्चन जहां पे मैं आपसे कह रही हूं कि मुझे C4H7OH के साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बना के दीजिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स जितने भी बन रहे हो वो आप बनाइए और उनकी नेमिंग करिए। चार कार्बन है तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी मुझे दिखती है कि मैं ऐसे कर दूं, है ना, और इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेनॉल, यह है साइक्लो ब्यूटेनॉल। एक और स्ट्रक्चर हम कर सकते हैं जहां पे ऐसे कर दिया जाए, तो ये क्या, इसकी नेमिंग कैसे हो सकती है, 1, 2, 3, 4, इसको हम कह सकते हैं साइक्लो प्रोपाइल मीथेनॉल, ये साइक्लोप्रोपाइल और ये है हमारा मीथेनॉल, तो इसका नाम है साइक्लोप्रोपाइल मीथेनॉल। अब आप सोचो और क्या हो सकता है नेक्स्ट, एक और ऑल्टरनेटिव यदि अपन देखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन हो सकता है कि मैं एक ही कार्बन पे मिथाइल भी लगा दूं और उसी पे OH लगा दूं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल साइक्लो प्रोपेनॉल, और इसी के जगह यदि मैं ऐसे लिख देती इधर हमने लगाया मिथाइल, इधर एक H है, इधर मैंने लगाया OH और इधर एक H है, तो इसका नाम क्या हो जाता, ये कार्बन नंबर 1 हो जाता, ये 2 हो जाता, ये 3 हो जाता, तो इसकी नेमिंग मैं कैसे कर देती, इसकी नेमिंग मैं कर देती 2 मिथाइल, पर दोनों H सेम साइड पर हैं इसलिए हम उसको बोल देते सिस, फिर 2 मिथाइल साइक्लो प्रोपेनॉल, और यदि इसी को हम ऐसे लिख देते तो इसकी नेमिंग कैसे हो जाती, क्योंकि ये दोनों एच ऑपोजिट साइड पे है ना, ये दोनों एच, इसे इसकी नेमिंग हो जाती ट्रांस 2 मिथाइल साइक्लो प्रोपेनॉल। इज दैट क्लियर, तो हम इस तरह भी इन कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हैं, देख लो आप, ये सिंपल सी नेमिंग है, बस आई वॉन्टेड टू शो यू और आई वॉन्टेड यू ऑल कि क्या आपको मैं C4H7OH देती हूं तो आप सारे साइक्लिक एल्कोहल्स बना सकते हो कि नहीं।